जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं नारायण भक्ति शिप्रा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज की वीडियो है पितृपक्ष। पितृपक्ष हमें ऐसी ऐसी उपलब्धियाँ प्राप्त करवा देता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पितृपक्ष को बहुत ही अशुभ तिथि कहें या पितृपक्षों के लिए तिथि कहें कहते हैं, और इसमें हम कोई नया कार्य वगैरह नहीं करते हैं, शुभ कार्य नहीं करते हैं। मगर आपको पता है कि इस समय आपके लिए पितृ कितने शुभ होते हैं। आपको वो चीज़ दे जाते हैं जो आपके वर्षों के कार्य रुके हुए होते हैं, जो कार्य पूरे नहीं हुए रहते हैं, तथा अकल्पनिक कार्य भी वो आपका पूरा करवा देते हैं। मगर वो कैसे पूरा करवा देते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा जिससे कि वो हमारे कार्य पूरा कर दें, अगर आपको इसकी जानकारी लेनी है तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। और अगर समझ में आए, अच्छा लगे, तो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिएगा जिससे कि वो भी अपने पूर्वजों की आशीर्वाद इस 15 दिन में पा लें। छोटा सा उपाय है, उपाय कहिए, पूजा कहिए, एकदम छोटा सा पूजा है ये, आप इसे कीजिएगा। 15 दिन करने हैं इसे। आप करें, बच्चे करें, फैमिली का कोई भी मेंबर करे तो उसको मिलता, मगर ये सभी किसी को करना है। ऐसा नहीं है कि जिसको पितृ तर्पण करना है वही व्यक्ति करे, क्योंकि इच्छाएं सभी की होती हैं। माँ, बच्चे, भाई बहन, जितने लोग घर में हैं वो सभी अपनी अपनी इच्छाओं के लिए कर सकते हैं ये पूजा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और हमारी जो पितृपक्ष की आपको दिख रही है लिस्ट, तो उसके ऊपर भी विजिट कीजिएगा कि उस पर बहुत ही रोचक जानकारी है, क्योंकि पितृ कब हमारे शरीर में आते हैं, कैसे पता चलता है कि पितृ हमसे संतुष्ट हैं अथवा रुष्ट हैं, कौन से ब्राह्मण पितृपक्ष में वर्जित है, कौन से ब्राह्मण से हमें पितृदान करवाना चाहिए और क्यों, तो इन सभी की जानकारी आपको पितृपक्ष का जो लिस्ट है उसमें आपको सारी वीडियो की जानकारी मिलेगी। ये वीडियो है कि 15 दिन हम कौन सा पूजा करें जिससे हमारे रुके हुए, अटके हुए, बरसों पुराने अनएक्सपेक्टेड कार्य भी पूरे हो जाएंगे। ऐसा करते हैं कि आपको मैंने जितना चीज़ें स्टार्टिंग में समझाया है वो समझ में आ गया होगा, और चलिए पूजा की तरफ चलते हैं। 15 दिन क्या करना है। सबसे पहले दिन, जिस दिन पितृपक्ष की तिथि लगती है, मानिए पूर्णिमा की तिथि से ही पितृपक्ष की तिथि लग जाती है, क्योंकि जिस दिन पूर्णिमा होगी किसी की तिथि, तो हम पूर्णिमा के दिन ही उनका श्राद्ध करते हैं। तो एक पूर्णिमा से लेकर अगले 15वां दिन जो अमावस्या तिथि होती है उस दिन तक ये उपाय करना है। ये नहीं कि प्रतिपदा लगेगी तब, आपको 15 दिन यानी 16 दिन करने हैं। बहुत ही छोटा सा उपाय है, आपको डेली अपने पूर्वज के सामने एक फूल चढ़ाना है। नो दिया, नो बत्ती, नो धूप बत्ती, वल्ली एक सफ़ेद रंग का फूल चढ़ाना है और आंख बंद कर अपनी मन की विश उनको बोलनी है, और इस तरीके से उनको बोलनी है जैसे कि आप फेस टू फेस उनसे बातें कर रहे हो, उस तरीके से भावना अपना व्यक्त कर बोलिए। अगर आपके घर में कोई फैमिली मेंबर है और उसका आगे आगे उसका फैमिली बढ़ रहा है, उनके फैमिली में उनके बच्चे भी तरक्की कर रहे हैं, और वो जैसे ससुर हो गए, ससुर के 2, 4, 5 बच्चे हैं, तो जैसे हमारे देवर, भसुर, जेठ जो भी हैं हमारे, मतलब उनके बच्चे, तो किसी का बच्चा तरक्की कर रहा है और किसी का बच्चा तरक्की नहीं कर रहा, किसी की फैमिली उन्नति कर रही है, किसी की फैमिली उन्नति नहीं कर रही, संतान हम उन्हीं के हैं, तो उनसे क्या फ़र्क पड़ता है। कोई एक आदमी तर्पण करता है, हम खाना खाएंगे तो हमारा पेट का भूख ख़त्म होगा, न कि हमारे 5 भाई बहन के पेट के भूख ख़त्म होंगे। तो श्राद्ध पक्ष में हम कहीं पे भी रहें, तर्पण करें ना करें, छोटा सा उसके लिए आपको एक सफ़ेद का फूल ऑल टू ऑल फैमिली मेंबर को, मैं तो कहूँगी ऑल टू ऑल फैमिली मेंबर उनको एक फूल ज़रूर चढ़ाएं। पानी चढ़ाने के लिए मैं नहीं कह सकती, क्योंकि जिसके पूर्वज केवल अपने सास ससुर का कर सकते हैं वो लोग,
अगर सास ससुर आपके हैं तो जल चढ़ाना नहीं चाहिए, ये आप बांध के रखिए, ठीक है, उनका कोई भी उपाय नहीं करना। मगर आपको ये 15 दिन आपको एक सफ़ेद फूल अपने दादाजी हों, दादाजी के सामने पिताजी हों तो पिताजी की तस्वीर के सामने, सास ससुर हों तो उनके सामने, जो भी मतलब आपसे एक जनरेशन ऊपर जो भी आपके फैमिली में नहीं हो, जैसे हमारे ससुर नहीं हैं मेरे, तो मैं एक ससुर की तस्वीर रखूंगी और उन्हीं की फ़ोटो के आगे मैं रखूंगी, यानी कि ससुर के बाबूजी हैं जो उनके आगे नहीं रखना, जो पहली जो पीढ़ी हमारी है और वो नहीं है तो उनके लिए रखना है। तो इस तरीके से आपको उनके तस्वीर के आगे रखना। अगर कोई बेटा है तो वो अपने, अगर उनके पिताजी नहीं है तो पिताजी के तस्वीर के आगे आप वो फूल रखेगा। अगर उसके और भी कोई, जैसे यही चीज़ें, अगर उसके पापा हैं तो अपने दादाजी के तस्वीर के आगे ये फूल रख सकते हैं। मतलब एक ही जनरेशन के ऊपर जो हमारे पितर हैं उन्हीं को हमें ये फूल समर्पित करना है। कहना क्या है और कैसे, जिस तरीके से आप अपने भगवान से मांगते हैं उस तरीके से ही उनको कंप्लेन करना है कि क्या आप केवल उन्हीं के पिता हैं, उन्हीं का फैमिली केवल आगे बढ़ेगा, हम आपके संतान नहीं हैं, हमारी तरफ भी आप अपनी करुणा दृष्टि कीजिए, हमसे क्या भूल हुई है हमें आप वो क्षमा कीजिए और हमारा ये कार्य है आप पूरा कीजिए। इस तरीके से आप एक बार बोलिए, कहिए, उनको याद दिलाइए कि हम भी उनके संतान हैं, आप हमसे रुष्ट ना हो। उनको आप डेली एक फूल चढ़ाइए। अगर दादाजी हैं तो आपको जल चढ़ाने की, जल देने की, हम मैं आपको पूजा बता रही हूँ जिससे कि आपकी विशेष 15 दिन में 99% है कि पूरा हो जाएगी। मैं कोई भी पितृपक्ष का कोई कार्य नहीं बता रही हूँ, मैं ये 15 दिन में एक छोटा सा पूजा है, उपाय है, इसे आप कीजिएगा तो आपके 15 दिन में रुके हुए कार्य जो होते हैं अनएक्सपेक्टेड कार्य वो जरूर पूरा होएंगे। दूसरा काम ये करना है, आपके जितने फैमिली मेम्बर हैं, अब तो सबके छोटी फैमिली है, हस्बैंड वाइफ बच्चे रह रहे हैं, तो ये चारों आप हमेशा ध्यान रखें कि मात्र इस 15 दिन दरवाजे से कोई भी खाली ना जाए, पशु पक्षी भिखारी पंडित ब्राह्मण गेस्ट रिलेशन जो भी हमारा अड़ोसी पड़ोसी जो भी हो, यथाशक्ति आप उसको एक गिलास पानी जरूर पिलाएं। कुत्ता आ गया, गाय आ गया, चींटी आ गया, कोई भी आ गया, बच्चा किसी भी तरीके से आपके तरफ देख रहा है तो आप उसको टॉफ़ी बिस्कुट गांठ बांध लीजिए। बिल्कुल मैं ये कह रही हूँ कि आप 15 दिन आप किसी भी चीज़ को, अगर आपको लगे कि वो आपको इस तरीके से वो देख रहा है आशा भरी नज़र से, तो आप उसको ज़रूर ही कुछ दिया कीजिए। दरवाजे से किसी को खाली मत कीजिए और रोज़ आप 15 दिन 16 दिन फूल चढ़ाइए। तो बस इतना सा ही काम करना है और आप अपना अनुभव ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा अगर आपके अनएक्सपेक्टेड कार्य पूरे हो गए हों। तो आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी हुई होगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा। दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका अनुभव कैसा रहा इस 15 दिन के बाद। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। महादेव और पितरों की कृपया हम सभी के ऊपर बनी रहे। जय पितृदेव महाराज की।